हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनु वर्मा आपका आज आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। आज मैं ना देखिए बेटा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। आज मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने के ही मूड से आज तो आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया मेरे बच्चों। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली आपने अगर वीडियो मेरी सही से देखी है तो आपने पढ़ा होगा बेटा वास्तविक संख्याएं। पहला ही चैप्टर बेटा मैथ में है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं मेरे बच्चों आपने क्या पढ़ा होगा, 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें मेरे बच्चों आपने पहला क्वेश्चन, आप बुक उठाइए बेटा, आप बुक को लेकर बैठिए बेटा। मैंने कहा जब भी मैं पढ़ाऊँ आप बुक को लेकर बैठिए, बुक कॉपी पेन को आप साथ में रखिए बेटा। एक्सरसाइज 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। बताइए कि आपके सर ने बताया कि बताया, दहासू ट्रिक बताई थी ना कि अभाज्य संख्याएं होती तो होती क्या हैं। बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा कि अक्सर क्वेश्चन को कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझते। जैसे आपसे कहा कि बेटा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, आपने आंसर लिख दिया। आपको पता होना चाहिए ना कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। सर क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, कैसे बनते हैं अभाज्य गुणनखंड बेटा, मैं वही तो आपको बताने आया हूं मेरे बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए, उसकी जांच कीजिए, सत्यापित कर दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा है या लासा नहीं है। बेटा कहा था ना क्वेश्चन, कहा था मैंने आपको प्रूफ करा दिया ना, लासा मासा की ऐसी ट्रिक मैंने बताई बेटा, आप जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूलने वाले बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों था कि निम्नलिखित संख्याओं का, आप अपनी बुक में देखिए बेटा, आप बुक में देखिए बेटा, जहाँ भी आपकी बुक है आप देखिए ना। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM यानी मासा और लासा ज्ञात कीजिए मेरे बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन आपका करवा दिया था ना, ठीक है मेरे बच्चों। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। सर चौथे क्वेश्चन में क्या था मेरे बच्चों, चौथा क्वेश्चन कुछ नहीं था मेरे बच्चों, सिर्फ क्या था उसमें भी लासा और मासा निकालना था मेरे बच्चों। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा होता है ना, तो आपको कोई दो चीज़ें दे रखी हो तीसरी चीज़ निकाल लेंगे ना बेटा। मैंने आपको दिमाग में घुसेड़ दिया था, सिखा दिया था ना मेरे बच्चों कल। अब बेटा देखिए, अब मैं आपको पाँचवा क्वेश्चन सर कराना बेटा, कराना कहाँ है सर के लिए, आपने कर लिया मेरे बच्चों। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 का छठा क्वेश्चन लेके आया बेटा मैं, और धांसू ट्रिक के साथ बेटा। ये क्वेश्चन बच्चों ने कमेंट किया, मुझे फ़ोन किया कल बेटा, मुझे रात में फ़ोन किया बच्चों ने कि सर छठा क्वेश्चन मैंने गाइड से देख लिया, अरे सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सर मेरे भैया बेटा मैंने पड़ोसी से पूछ लिया, वो भी समझ में नहीं आया। सर आप कुछ नया बताइए, सर ऐसा बताइए कि दिखाइए कि क्वेश्चन बना तो बना कैसे। मैं बेटा आपकी यार जड़ से क्वेश्चन को निचोड़ दूंगा बेटा, लॉलीपॉप बना के छोड़ूंगा बेटा। क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिए बेटा, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है बेटा आपका कि जांच कीजिए कि 6 की पावर n 6 बेटा। आप क्वेश्चन देखिए, हो सकता है थोड़ा वो क्वेश्चन पर हम मिस्टेक हो जाए ना बेटा। देखिए होगा क्वेश्चन 6 की पावर n यानी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यही क्वेश्चन होगा ना मेरे बच्चों कुछ इसी तरीके से। एक्सरसाइज खोलिए ना, 1.2 खोलिए बेटा, यही क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों। क्या क्वेश्चन होगा कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। मेरे बच्चों ये रटना नहीं है मेरे बच्चों, मैं आपको आज दिखाऊंगा। देखिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी बेटा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे आपका तो भला हो ही साथ में और सबका भी भला हो जाए मेरे बच्चों। देखिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले तो क्वेश्चन को मत पढ़िए आप पहले समझिए कि क्वेश्चन बना तो बना कैसे। आखिर क्वेश्चन को हल तो हर कोई कर लेता है मेरे बच्चों, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा ना बेटा। देखिए जो उसने कहा है कि 0 पर ख़त्म हो जाए ऐसी संख्या बेटा, जो संख्याएं 0 पर ख़त्म होती हैं वो देखिए क्या होंगे बेटा, 10 20 30 40 बेटा, ये सब संख्याएं 10 से कट जाएंगी ना बेटा। जो संख्याएं 0 से लास्ट में 0 पे ख़त्म होती ना, वो सब 10 से कट जाएंगी मेरे बच्चों। देखिए और क्या नहीं कट सकती बेटा, 10 = 2 × 10 तो ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी मेरे बच्चों।
तो देखिए, जो संख्याएं लास्ट में जीरो पर ख़त्म होती है मेरे बच्चों, वो क्या होंगी, सब 10 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन की ओर आपके बढ़ते हैं। देखिए, उसने कहा कि 6 की पावर n क्या जीरो से विभाजित यानी जीरो पर ख़त्म हो रही है, क्या ये सही है या नहीं सही है। मेरे बच्चों आप हल करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, मोस्ट पर मोस्ट लगा लीजिए, आएगा क्वेश्चन बेटा, आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूँ बेटा, पूरा। देखिए बेटा यहाँ क्या लिखेंगे कि आप लिखते रहिए मेरे साथ, लिखते रहिए कि जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है, मेरे बच्चों क्या बोला, जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है वो 10 से विभाजित हो जाती है। और क्योंकि क्यों होगी मेरे बच्चों, देखिए क्योंकि यही बेटा आपको लिखना है मेरे बच्चों, क्योंकि 10 = 2 × 10 यानी ये 2 से भी हो जाएगी और 5 से भी होगी ना मेरे बच्चों। सर कैसे, मैंने आपको बताया ना, देखिए बेटा जीरो आया ना लास्ट में, 20 बेटा 30 40 मेरे बच्चों, क्या हो रही है 10 से, नहीं हो रही है, हो रही ना, ये टुक्का नहीं है मेरे बच्चों, ये आपको मैंने दिखा दिया, दिखाया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं आया, तो लाइक ठोकिए बेटा, धड़ाक से लाइक ठोकिए मेरे बच्चों। आप देखिए, उसके बाद हम यहाँ तक लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, कि जो संख्या जीरो पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है, वो 10 से विभाजित होती है, क्योंकि 10 = 2 × 5 मेरे बच्चों। आगे देखेंगे, ये 10 के अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है, 10 के अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, 2 और 5 है नहीं, सर आपने अभाज्य गुणनखंड कह दिया। बेटा बच्चों मैं एक मिनट में लौट के आ रहा हूँ, और अभाज्य गुणनखंड बेटा मैं आपको बताऊंगा। बेटा आपने आज तक अभाज्य संख्याएं पढ़ी होंगी मेरे बच्चों, अगर आपने समझी है ना संख्याएं, आपको किसी ने समझाया तो आज मेरे को बताना बेटा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ बेटा, आप 100% गलत करेंगे बेटा आज। आप देखिए मेरे बच्चों, देखिए आगे आप लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के क्या होंगे मेरे बच्चों। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, पावर है तो लगा दीजिए, कौन सी आफत आ गई मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n × 2 3 की पावर n मेरे बच्चों, हो जाएगा ना, जैसे लिखा है 1 की पावर n लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ओपन करो, 1 की पावर n मेरे बच्चों, 2 की पावर n हो जाएगा ना बेटा। एक मैं आपको धांसू ट्रिक, सर बच्चे कहते हैं सर मुझे कभी ये समझ नहीं आता है कि घात पे घात लगी तो गुणा हो जाती है, जो गुणा में घात जुड़ जाती है मेरे बच्चों, गुणा में घात है जोड़ देव, भाग में देव घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए। ये ट्रिक मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ मेरे बच्चों, ये बहुत गाने गाने बेटा, मैं तो धुआं बना देंगे सर आपके बेटा, बस लगे रहिए मेरे बच्चों। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे जो संख्या जीरो से कटेगी उसके अभाज्य गुणनखंड किए बेटा हमने, और जो संख्या दे रखी थी उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या मेरे बच्चों बताइए यहाँ पे 2 या 5 आए क्या हैं आपके सामने, नहीं है ना, तो बेटा ये कैसे कट सकती है बेटा, अगर जीरो आएगा तो जीरो बेटा कैसे, जीरो बेटा जीरो आएगा क्या 3 से कट सकती है ना, कैसे सर दिखा दीजिए बेटा। देखिए 10 आ गया बेटा, 20 आ गया बेटा, 30 आ गया, अब 30 देखिए 2 से तो बेटा कटने वाला है, 2 से तो कट जाएगा मेरे बच्चों, लेकिन यार 3 आ गया, क्या 3 से 10 को काट दोगे ना, नहीं काटोगे मेरे बच्चों, कट ही नहीं सकता है, इसलिए जो आपका जो 6 की पावर n है ना, जो जीरो पर ख़त्म होगा बेटा, ये बिल्कुल गलत है बेटा, क्या है ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे बच्चों, 2 की पावर n तथा 3 की पावर n है, जिसमें 2 या 5 नहीं आया, तो ये किससे नहीं कटेगी मेरे बच्चों, इन दोनों से क्या कट पाएगी ना, जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो है, वो मैं नहीं कह रहा बेटा, आप क्वेश्चन कह रहा है, जिनके लास्ट में जीरो आ जाए क्या वो इनसे कट जाएगी मेरे बच्चों, 2 से कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, रटवा कह रहा हूँ बेटा। देखिए अब सर ये n क्यों लगा दिया, आप बेटा पूछिए ना n क्यों, बेटा n क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है मेरे बच्चों, तो आप यहाँ लगाइए वैल्यू लगाइए मेरे बच्चों, n बराबर आप 1 लगाइए मेरे बच्चों। सर बैन क्यों लगाए, सर जीरो से स्टार्ट कर देना बेटा, प्राकृतिक संख्याएं कैसे मेरे बच्चों, अभी मैंने आपसे वादा किया था मैं 2 मिनट बाद लौटूंगा, जस्ट आपको बताऊंगा संख्याएं बेटा, कोई आपसे कहे अपनी उंगली गिनिए, क्या कहते हैं 0 1 2 3 4, अरे एक उंगली कहाँ गई, अरे बेटा ऐसे नहीं करते, 1 2 3 4 5 करते हैं ना बेटा, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, 1 से ना, तो वो नेचुरल नंबर हुई बेटा, प्राकृतिक संख्याएं बेटा, यहाँ लगाइए बेटा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 बेटा, जी 2 हो गया, ये बेटा 3 आएगा ना,
तीन आएगा ना मेरे बच्चों, ये तो आप सीख चुके हैं बेटा। दो देखिए, तो n बराबर हमने बन रखा, तो ये दो मिला, दो से ये कट जाएगा बेटा। सभी संख्याएं, वो संख्याएं सभी कट जाएंगी दो से जो जीरो पर खत्म हो रही है, लेकिन बेटा ये तीन से नहीं कटेगा मेरे बच्चों। अब n बराबर दो लगा लीजिए, लगा दीजिए, हमें क्या जा रहा बेटा, यहाँ लगा दीजिए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। मेरे बच्चों 2 की पावर 2 कैसे बेटा 2 की पावर, बेटा यहाँ 2 है ना, कितनी घात है, 2 है ना, 2 को 2 बार लिखो, 2 × 2 = 4 बेटा, कुछ बच्चे 3 × 2 = 6 सर बेटा, ना ना मेरे बच्चों ना, कैसे 3 को 2 बार बेटा, 3 × 3 = 9 बेटा, ये तो आपने समझा होगा मेरे बच्चों। तो देखिए, उसने जानबूझ के क्वेश्चन में एन दिया है कि आप एन को करके भी देखिए, आप रटिए मत, एन की हम वैल्यू रखते जाएंगे, लेकिन कभी भी जो भी हम एन की वैल्यू रखेंगे, कभी भी वो जीरो पे जो संख्याएं खत्म हो रही हैं उसे काटेंगी नहीं मेरे बच्चों। क्या काटेंगी ना, आप करके देखिए, एन बराबर बन रखा तो कितना आया, 2 × 3 आया, एन बराबर हमने 2 रखा मेरे बच्चों यहाँ पर, तो 4 × 9 आया, 4 ने तो बेटा इसे काट दिया, इसे नहीं काटेगा, इसे नहीं काटेगा, और जीरो हमने 3 पे लगाया, एन की जगह 2, तो 3 × 3 मेरे बच्चों 9, 9 क्या इसे काटेगा नहीं, इसे काटेगा नहीं, इसे काटेगा नहीं, तो हमारा रिजल्ट ये आया कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है मेरे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसलिए ये संख्या इन सभी संख्याओं को, यानी उन सभी संख्याओं को नहीं काटेगी जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो उन्हें सबसे पहले 10 काट देगा और 2 और 5 काट देगा, इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिली, सिर्फ 2 मिली, बकाया कोई नहीं मिली। तो हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा बता रहा हूँ बेटा मैं, क्या सबसे आप लिखेंगे कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, लिखते रहिए कॉपी पेन लिखा, लिखते रहिए आंसर इसका, जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, जो संख्या बेटा जल्दी लिखिए बेटा, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी वो 10 से कट जाएगी, क्योंकि 10 × 10 = 2 × 5। अब देखिए, जो संख्या आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए सर, अब इसके क्यों करें, 10 के भी करें ना अभी, तो इसके करिए बेटा, तो क्या आया बेटा, 2 × 3 = 6 हो गया ना, पूरे की होल पावर क्या है मेरे बच्चों, एन है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब बेटा देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ये नहीं कट रहा है मेरे बच्चों, तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि पूरा आंसर बता रहा हूँ बेटा मैं, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह 6 की पावर n जो है वो उन सभी संख्याओं को नहीं काट पाएगा, नहीं कटेंगी, नहीं विभाजित होंगी 6 की पावर n से जो 0 पर समाप्त होती हैं, अतः हमारा दिया गया क्वेश्चन, अतः हमारा दिया गया जो प्रश्न है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है नहीं होती है, अतः हमारा दिया गया क्वेश्चन है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आंसर मिल गया ना आपको, आंसर मिला ना, क्या आपको बेटा रटाया मैंने, नहीं रटाया ना मेरे बच्चों, बेटा समझा दिया, दिखा दिया मेरे बच्चों, तो अब लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको सीरियल वाइज करा रहा हूँ बेटा, मेरा चैनल वो नहीं है कि एक वीडियो इस चैप्टर की, एक वीडियो उस चैप्टर की, बेटा इससे ना मुझे आपको अट्रैक्शन तो मिल जाएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों आपका भला नहीं होगा मेरे बच्चों, मैं आपका भला करने आया हूँ बेटा, अपना भला बाद में, मेरे बच्चों का भला पहले, इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे लाइक के लिए तो मैं धांसू ट्रिक दूँ, लाइक ले लूँ, सब्सक्राइब ले लूँ, शेयर ले लूँ, बेटा नहीं, मैं आपको आपका भला करने आया हूँ, मैं आपको ना सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ बेटा। बेटा इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा छठा क्वेश्चन था, पांचवा था, छठा क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए बेटा। बेटा अभी आपके सर ने वादा किया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो आप सर भूल गए बेटा, आपके सर भूलने वाले नहीं है बेटा। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, छठा, बहुत जल्दी पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 7 × 13 × 13 + 13, देखिए बेटा 7 × 11 × 13 + 13, व्याख्या कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है मेरे बच्चों। क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, 7 × 11 × 13 + 13 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे बच्चों। अब मैं आपको एक सेकंड में लूँगा, इस क्वेश्चन को साइड में रखते हुए मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, कि आप जानते हैं मेरे बच्चों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, कहाँ देख रहे हैं बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
अब दो क्यों है, आपने पढ़ा होगा कि वह संख्या जो दो से कट, जो अपने से कट जाए वही तो अभाज्य होती है ना। तो बेटा दो अपने से कट गई, तीन भी कट गई बेटा, पांच भी, सात भी, तो ये सब अभाज्य हुई मेरे बच्चों। तो बन से क्या दुश्मनी है आपके लिए, बन क्या अलग है, बन क्या बन से नहीं कट रहा है मेरे बच्चों, कट रहा है ना। तो इसके हिसाब से तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बन होनी चाहिए बेटा, क्यों नहीं है आप अपने सर से पूछिए ना बेटा। इसीलिए तो मैं आपको बताने आया हूँ बेटा, आज के बाद ये परिभाषाएं भूल जाइए बेटा, ये आपने जो पढ़ा है ना वो आप छोड़ दिए, आपके सर सर आपको धांसू पढ़ाने वाले हैं बेटा। मेरे क्लास में आप आए हैं ना मजा आ जाएगा, लॉलीपॉप बना देंगे बेटा। ये भाज्य अभाज्य क्या बेचती है मेरे बच्चों, एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा बेटा, मैं बनाने वाला हूं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए ना। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी वीडियो कैसे मिलेगी बेटा। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य अभाज्य, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, सब नाम इनका निचोड़ है बेटा। मैं आपको दिखा दूंगा बेटा, आप करके दिखा दूंगा तब आपको समझ में आएगा मेरे बच्चों। देखिए भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याओं के बेटा दो से ना तो कम और ना ही ज्यादा गुणनखंड होते हैं मेरे बच्चों। कैसे सर, देखिए दिखा दीजिए, दो को क्या ले सकते हैं, दो एकम दो, दो किससे कट जाएगी मेरे बच्चों, दो से स्वयं से कट गई और एक से भी कट जाएगी मेरे बच्चों। लेकिन और तीन भी देखिए मेरे बच्चों, तीन का गुणनखंड बेटा तीन एकम तीन बेटा, पाँच का देखिए मेरे बच्चों, पाँच एकम पाँच। क्या मेरे बच्चों ये बताइए कि इसमें क्या और कोई गुणनखंड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? नहीं मेरे बच्चों, मैंने आपको परिभाषा अचूक बताई है कि जिन संख्याओं के दो गुणनखंड हों, केवल दो, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, वही अभाज्य संख्याएं होंगी मेरे बच्चों। तो हमने बन को अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं कहा? आप कहते होंगे, आपके मन में विचार आता हो लेकिन आपको टीचर क्लियर नहीं करा, मैं करने वाला हूं बेटा। बन का गुणनखंड करिए मेरे बच्चों, बन बन जा बन, एक एक से, हमने कहा जो संख्या है वो स्वयं से तो विभाजित हो जाएगी, तो वन स्वयं से हो रहा है, इसका एक गुणनखंड और बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? नहीं होगा ना, तब एक गुणनखंड और नहीं होगा, तब मेरे बच्चों ये कैसी हुई मेरे बच्चों, ये भाज्य हुई, ये अभाज्य कभी नहीं होगी। अभाज्य की धांस उठेगा, आपको समझ में आई ना, क्या होगी? जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो से ना ज़्यादा ना कम। इसलिए सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो दो है। अब बेटा मजे की बात क्या है पता, सभी अभाज्य संख्याएं वैसे क्या है, विषम होती है ना मेरे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्याएं बताइए जो सम भी हो, सबसे छोटी भी है और सम भी है मेरे बच्चों, ये सम संख्या भी है और सबसे छोटी है मेरे बच्चों। बेटा आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो मैं बेस को तो मैं एकदम निचोड़ दूंगा बेटा, बेस तो मैं आपका स्ट्रांग यूं कर दूंगा, लेकिन बेटा अब हमने कहा ये सम भी है, अब कहोगे सर सम भी बता दो, मुझे जल्दी से सम बता दो बेटा। आप कहोगे -2 -4 सर ये सम है, बन सर ये 2.6 ये भी सम है, क्यों है सर कि दो से कट रही मेरे बच्चों? गलत तरीका, गलत कॉन्सेप्ट है ये कभी भी सम नहीं होंगे मेरे बच्चों। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन बेटा मैं ये सब कह रहा हूँ सब आपने गलत पढ़ा है बेटा। अगर आपने बुक में पढ़ा ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, वो तो अलग की बात है बेटा, आपको मुझसे पढ़ना है ना ये सम असम ना, तो आप दिल से जुड़िए मेरे साथ। देखिए बेटा क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपके पास, ये करने का तरीका देखिए बेटा, सबसे आप पहले लिखेंगे सलूशन बेटा, सलूशन नहीं लिखना आता हो आप हिंदी में हल लिख लीजिए मेरे बच्चों। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे गिवन, गिवन मीन्स दिया है, 7 × 11 × 13 + 13 मेरे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है मेरे बच्चों? देखिए यहाँ, देखिए क्या है मेरे बच्चों, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है बेटा, 13 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर बेटा? 7 × 11 + 1 बचा मेरे बच्चों 13 × 11 = 77, 178 मेरे बच्चों, 78 13 × बेटा ये कितने हो, 13 × 6 = 78 मेरे बच्चों। बताइए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक क्यों सर, भाजक गुणनखंड एक ही बात मेरे बच्चों। दो जो भाज्य संख्या होगी मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो भाज्य संख्या होगी उसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, देखिए हो गए कि नहीं, ये संख्या जो आई है वो दो से अधिक संख्याओं से कट जाएगी मेरे बच्चों। कैसे, 1 6 से कट जाएगी मेरे बच्चों, 13 से कट जाएगी ना, और स्वयं से कट जाएगी ना, 1 से कट जाएगी ना, कितने, 4 बता दिए मेरे बच्चों। तो ये कैसी संख्या हुई मेरे बच्चों, ये भाज्य संख्या हुई, अभाज्य हुई क्या, अभाज्य कैसे हो सकती है सर? अच्छा अभाज्य आपने बताई ना सर कि इस अभाज्य के सिर्फ दो गुणनखंड होंगे बेटा, दो से ज़्यादा हुई तो वो अभाज्य नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या समझ में आया आपको? एक बार हमने इसमें देखा जो कॉमन है कॉमन निकाल लिया, उसके बाद जो बचा 11 क्या 7 और 11
प्लस यहाँ 13 बेटा बाहर निकालिए तो एक बच्चा, वापस गुणा करिए बेटा जे ही आएगा मेरे बच्चों, जे ही आएगा करी ना, देखिए 13 यहाँ 13 एकम 13 ही आ जाएगा बेटा। तो ये देखिए अब हमने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर कर लिए बेटा, 13 छंग 78 हो गए बेटे। ये देखिए ये 6 से भी कट गई मेरे बच्चों, तो लिखेंगे आप आंसर करते रहिए बेटा, आप लिखेंगे कि यह संख्या 6 से भी विभाज्य हो रही है, 13 से भी हो रही है और स्वयं से भी हो रही है, और बेटा 1 से तो हो ही जाएगी मेरे बच्चों। तो ये अतः यह एक भाज्य संख्या है मेरे बच्चों, समझ में आया ना, क्लियर हो गया बेटा आपके। देखिए 6 क्वेश्चन मैंने 1.2 के ख़त्म करा दिए। अब बेटा एक क्वेश्चन आप करिए मेरे बच्चों, सिर्फ उसमें क्या है आपको एलसीएम निकालना है मेरे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है बेटा, किसी खेल का कोई मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है बेटा, उसके ऐसे एक वृत्ताकार पथ है ना, वहाँ पर एक रवि है एक सोनिया है, वो दोनों एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं, एक 18 मिनट बाद पहुँचती है, एक 12 मिनट बाद कहाँ पहुँचती है जहाँ से वो चलना प्रारंभ की। तो वो ये बता रहा है मेरे बच्चों, वो ये पूछ रहा है कि पुनः कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। ठीक है मेरे बच्चों, दोनों बता रहे हैं दोनों, तो आप क्या करेंगे इसका बेटा, लास्ट एक बार याद करेंगे। अब लासा ही क्यों करेंगे सर, वो आप मेरी पिछली वीडियो देखते रहिए बेटा, देखते रहिए बेटा, मैं आगे बढ़ाऊंगा ना। ठीक है मेरे बच्चों, इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ खत्म करता हूँ बेटा, मैं आपकी 1.3 स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे बच्चों। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई मेरे बच्चों, आगे बेटा इसके आगे मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, विदा लेता हूँ यहाँ से।